अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है कैबेज। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर और कैबेज को हमने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम एक बड़े से बर्तन में 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर हाई फ्लेम पर इसे गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी चॉप की हुई प्याज को। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 टीस्पून और इसे भी हम फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 हरी मिर्च और इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर डालने के बाद हमें मसालों को मिक्स करना है और 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त और 1/2 कप वाटर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक पका लेना है। फाइव मिनट्स के बाद मैं इसे चेक करूँगी और इसमें ऐड करूँगी चॉप किए हुए टमाटर को और 2 मिनट तक इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें इसे भूनना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त गल गया है। इसके बाद मैंने आलू को छीलकर पीसेस बनाकर रख लिया था तो मैं उसे इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो इसे स्किप कर दीजिए। यहाँ पर मैं इसे 5 से 6 मिनट तक ढककर पका लूँगी ताकि 50 से 60% आलू गल जाए। तब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी को कट करके रख लिया था तो वो रेडी है। अब मैं इसमें पत्ता गोभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि गोभी को जब हम ढक कर पकाते हैं तब इसमें से पानी छूटेगा। तो मिक्स होने के बाद हम इसे 6 से 8 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया तो इसमें से पानी छूटेगा। तो अब हम इसे ढक देते हैं। यहाँ पर बीच में मैं इसे चेक कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चॉप किया हुआ हरा धनिया
और इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं इसे अब 2 मिनट तक दम पर रखूँगी। तो अब मैं इसे चेक कर रही हूँ, आलू भी गल चुके हैं। तो अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, and subscribe to my channel. Stay connected.